दोस्तों, जो मार्केट में कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड आता है वह पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, उसके पौधों पर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन जो कीटनाशक मैं बनाने वाला हूं वो पौधों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इसको बनाने वाला हूं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें कि इसको बनाना कैसे है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज दोस्तों मैं एक ऐसा ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाने वाला हूं जिससे आपके पौधे हेल्दी भी रहेंगे और काफ़ी ग्रो भी करेंगे। इससे किसी भी प्रकार का वायरस, कीट पतंगे पौधे पर अटैक नहीं करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एलोवेरा है। एलोवेरा और नीम की पत्ती से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपने कीटनाशक कैसे बनाना है। जो ये इसका जो चिपचिपा पदार्थ है, जो ये पीला इसमें है, ये स्लो पॉइजन है। इसको भी आपने इसी में रहने देना है, इसको भी निकालना नहीं है। और ये नीम की पत्तियां हैं, इन्हीं से मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कीटनाशक कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ये नीम की पत्तियां हटा देंगे, इसमें डंडियां नहीं रखनी है। नीम की पत्तियों को अलग कर देंगे। अब ये नीम की पत्तियां हमने निकाल दी हैं और जितने हम नीम की पत्तियां लेंगे उतना ही हम लगभग एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलोवेरा को भी हमने बारीक काट दिया है, अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। दोस्तों, अगर आप टेरेस या बालकोनी में बागवानी करते हैं और चाहते हैं कि शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से फल फूल या साग सब्जी को उगाया जाए तो ये तरीका सबसे बढ़िया है कीटनाशक बनाने का ऑर्गेनिक तरीके से। जो ये पेस्टिसाइड तैयार हो रहा है ये पौधों के लिए भी अच्छा है और पौधों की जड़ों के लिए भी। ये किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया पौधों पर लगने नहीं देगा। इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें ताकि ये पिस जाए, नहीं तो ये पिसेगा नहीं। ये बिल्कुल बारीक पिस गया है। तो दोस्तों, अगर आप मेडिसिन प्लांट या वेजिटेबल प्लांट, जो भी आप प्लांट उगाते हैं और आप चाहते हैं कि शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से उस प्लांट से फल लिए जाएं या सब्जियां ली जाएं, तो ये वाला तरीका सबसे अच्छा है। इसके बाद हम इसको छन्नी से छान देंगे। छन्नी से छानने में जो इसके मोटे मोटे छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और लिक्विड अलग हो जाएगा, तो आप पौधे पर स्प्रे आराम से कर सकते हैं। अगर आपने स्प्रे नहीं करना है, जड़ों में देना है, तो आप डायरेक्ट इसमें पानी मिला के भी जड़ों में दे सकते हैं। स्प्रे के लिए तो आपको छानना ही पड़ेगा। इसको छानने के बाद आप कई दिन तक रख सकते हो, कम से कम 2-3 महीने तक तो ये ख़राब नहीं होगा। और जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको निकाल सकते हो और पानी में मिलाकर इसको आप पौधों को दे सकते हो। इसको मैंने छानकर एक शीशी में रख दिया है, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से निकालूंगा। अब आपको बताता हूँ कि आपने इसका यूज़ कैसे करना है। इसको देने की सबसे अच्छी विधि ये है कि आपके पास अगर लिक्विड तैयार हो गया तो आप उसमें 10 लीटर पानी मिला दें। 1 और 10 का रेशो होना चाहिए। 1 लीटर अगर आपका लिक्विड है तो 10 लीटर आप उसमें पानी मिला दें। और इस पानी से आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इस पानी को आप जड़ों में भी दे सकते हैं। तो ये हमने 0.5 लीटर लिक्विड में 5 लीटर के करीब पानी इसमें हमने मिला दिया है। तो देने का तरीका आपको बता देता हूँ। आपने अगर जड़ों में देना है तो 7 दिन में एक बार पौधों की जड़ों में आप इस लिक्विड को दे सकते हैं। और इससे पौधों को आप स्नान भी करा सकते हैं। अगर आपने स्प्रे करना है तो स्प्रे भी कर सकते हैं। स्नान कराने से ये होगा कि पौधों पे भी ये लिक्विड लग जाएगा और पौधों की जड़ों में भी ये पहुंच जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। हर 8-10 दिन में आप इस लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं और लिक्विड बनाकर आप कम से कम 3-4 महीने तक इसको रख सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये जानकारी वाला वीडियो? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।